दोस्तों थर्पथार्स में खुश आमदी। दोस्तों आज हम इंटरमीडिएट बुक वन यानी क्लास 11 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंग्लिश बुक इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 4 और लेसन 1 यूनिट 1.1 एक्सरसाइज नंबर 4 जो है कायदे आजम ऑन 11th अगस्त 1947। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज द कायदे आजम फीलिंग ऑनर्ड व्हाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कायदे आजम अपने आप को ऑनर क्यों फील कर रहा था, क्या वजह थी जो उस दिन 11th अगस्त पर अपने आप को ऑनर फील कर रहा था, तो ये बताना है। कायदे आजम वाज फीलिंग ऑनर्ड व्हाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज ही वाज मेड इट द फर्स्ट प्रेसिडेंट द न्यूली बॉर्न नेशंस फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी गेव हिम द राइट टू डिलीवर द इनॉग्रल एंड प्रेसिडेंशियल स्पीच। मोर ओवर द असेंबली मेड हिम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ न्यूली बॉर्न स्टेट दैट इज पाकिस्तान। दस द ऑनर of first president of the legislative assembly and the first governor of Pakistan and the right to deliver the presidential speech to the first constituent body made him felt honored। तो ये वजह थी, तीन जो बेसिक जो वजह हैं वो ये हैं। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सदर बना। नंबर टू वो जो न्यूली क्रिएटिंग स्टेट पाकिस्तान उनका गवर्नर जनरल बना। एंड नंबर थ्री वो जो है वो उसको सदारती, जिसको हम कहें सदारती खिताब, वो करने का वो दिन था उस दिन। तो 11th अगस्त इसलिए अनर्ड थी कायदे आज़म के लिए, और कायदे आज़म अनर्ड इसलिए फील कर रहा था कि वो सदारती स्पीच कर रहा था और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली पाकिस्तान की, नेशनल असेंबली, उसका वो सदर बना उस दिन और पाकिस्तान का गवर्नर बना। तो ये वजह थी जो कायदे आज़म अपने आप को अनर्ड फील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म। सबसे बड़ा कर्स कौन सा है कायदे आज़म की नज़र में। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द ग्रेटेस्ट कर्स इज बेबी एंड करप्शन। इन हिज व्यू ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म एंड जॉबी वर आल्सो द कर्सेस। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द कायदे वीएन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कायदे आज़म का क्या वीएन था। कायदे वीएन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम वाज We are all citizens and equal citizens of one state, that is Pakistan. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. तो कायदे आज़म का ये वियन था। ये नहीं एक एक क्लास और क्रीड और कास्ट वाला बंदा, एक रिलीजन वाला वो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिटीज़न हो और जो और कोई है तो थर्ड कैटेगरी वाला हो, ऐसा नहीं था। कायदे आज़म का वियन था वो इक्वल बेसिस पर था, इक्वलिटी उनके नज़र में थी, फेयर एंड जस्टिस था। तो रिलीजियस मैटर है वो पर्सनल मैटर है, किसी भी शहरी का कोई भी रिलीजन हो उससे स्टेट का कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन आज जो हालात हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म वन लेसन शुड वी लर्न। हमें क्या लेसन, कौन सा लेसन, कौन सा सबक सीखना चाहिए कायदे आज़म की नज़र में। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म वी शुड लर्न द लेसन ऑफ इक्वलिटी एज ए नेशन। देयर शुड नॉट बी सेपरेशन ऑफ वन कम्युनिटी टू अनदर। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी। देयर शुड नॉट बी कर्सेस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म, जॉबरी एंड ब्राइबरी एंड करप्शन। टू कंक्लूड, अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट, फॉरगेट द पास्ट एंड फॉरवर्ड टू फ्यूचर टू डू वेल बींग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको कुछ हासिल करना है, अगर ये लेसन कायदे आज़म का है कि आप जो पास्ट में जो भी कुछ गलत हुआ, जो भी जो कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी सब कॉन्टिनेंट में, तो सीधी सी बात है अब ये जो न्यू स्टेट है वहाँ 1947 में ये बात कर रहा था कायदे आज़म। तो कायदे आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा रहता है, तो अब मज़हब के बेस पे या किसी की ज़ातियात के बेस पे, कास्ट, क्रीड, कलर की बेस पे जो है वो वेल बींग अभी फ्यूचर में नहीं करनी है। जो भी भलाई करनी है, जो काम करने हैं, वो पुअर पीपल, नीडी पीपल ऑन द इक्वलिटी बेस्ड और ऑन द सिटीजनशिप ऑफ द पाकिस्तान की बेस पे उसकी खिदमत करनी है। ऐसा नहीं करना है कि भाई ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो इस तरीके से उसको जो है वो डिवाइड करके, उसको जो है वो प्रोफाइलिंग करके उसकी वेल बींग की जाए, उसकी वेलफेयर की जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो ओवरऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सारे ही जो भी चीज़ें हैं इनसे हटकर इक्वलिटी के बेस पे
हमें चलना होगा और जो भी पास्ट में जो गलत हुआ उसको भूलकर आगे जाना होगा, तब भी हम तरक्की कर सकते हैं, तब भी हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है लेसन कादियाज़म का, और था 1947 पे, लेकिन हमने अमल नहीं किया जिस वजह से आज भी हम वहाँ ही हैं, लेकिन उससे भी पीछे हैं। आइडियाज ऑफ द कायद स्पीच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो, ये चीज़ है कि कायदेज़म उस वक्त बात कर रहा था 1947 में, तो उनमें वो कौन सी पॉइंट्स हैं, अगर आज भी उनकी बात की जाए तो वो ऐसा लगे कि आज भी वो एप्लीकेबल हैं इस वक्त भी 2022। द की पॉइंट्स एंड की आइडियाज ऑफ द कायदेज़म स्पीच विच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो आर इन द फॉलोइंग वे। नंबर वन, रिलीजन ऑफ एवरी पर्सन इज द पर्सनल मैटर, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। नंबर टू, यू मे बिलोंग टू एनी कास्ट और क्रीड, दीज आर ओनली फॉर आइडेंटिटी, आपकी कास्ट क्रीड ये सिर्फ आपकी जो है वो आइडेंटिटी है, आपकी शनाख्त है, सो दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। नंबर थ्री, फॉरगेट द पास्ट एंड फॉरवर्ड टू फ्यूचर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उस भी कार्यक्रम कह रहा था उस दिन भी, आज भी ये एप्लीकेबल है। नंबर फोर, आर रेजिडेंट्स शुड थिंक फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टेट बट नॉट फॉर देयर पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट और क्रीड एंड कम्युनिटीज। द कर्सेस ऑफ ब्राइबरी करप्शन जॉबरी नेपोटिज्म एंड ब्लैक मार्केटिंग शुड बी रूटेड आउट परमानेंटली, ये उस दिन भी कायदेज़म कह रहा था, आज भी ये मसला है स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, हर बंदा जॉब में है, ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, सियासत में, ये चीज़ें ब्लैक मार्केटिंग जॉबरी नेपोटिज्म चलता है, तो ये करप्शन कब ख़त्म होगी पाकिस्तान में, तब मेरे ख्याल में 60-70s में इतनी करप्शन नहीं थी जितनी आज है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस इन द लाइट ऑफ द कायदेज़मियन, वी कैन मेक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस इन द लाइट ऑफ कायदेज़मियन बाई फॉरगेटिंग द पास्ट एंड वर्किंग फॉर द वेलबींग ऑफ द मासेस स्पेशली पुअर एंड नीडी पीपल, मोर ओवर By working in cooperation, bearing the hatred, working together in a spirit without color, caste, creed and community discrimination, we can make Pakistan prosperous, happy. Question number 7, I shall always be guided by the principles of justice and fair play without any political language, prejudice and ill will. Elaborate these words. According to these words of Qaid here, he wanted to say that he would work on the principles of justice and fair play. In these words, Qaidism forced to keep personal entities like color, caste and creed away while dealing the nation. He would never think of prejudice or ill will about any person of the state. He would always treat everyone equally. तो Qaidism के पास fair and justice था, उसके पास बराबरी थी। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज नंबर 4 थी जिसमें 7 क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व किया और उनके आंसर्स दिए। आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 5 को देखेंगे।